तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग एसी को रिपेयर करने जाएं तो कस्टमर से कितना चार्ज करें, मतलब अगर हम उसमें गैस चार्ज कर रहे हैं या कंप्रेसर लगा रहे हैं या कंडेंसर लगा रहे हैं या कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उसका चार्ज कितना करें और सर्विस चार्ज कितना लें, इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। और ये सारे नए टेक्नीशियन को ज़रूरी है सीखना कि कितना पार्ट प्राइस लिया जाए और कितना सर्विस चार्ज लिया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा मांग लेंगे तो फिर कस्टमर टूट सकता है, कम मांगेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना चार्ज कस्टमर से किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पार्ट के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेट लिखा जाएगा कि इसका कितना कितना रेट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये गैस चार्ज कितना लेंगे, इनडोर फैन मोटर चेंज, मतलब कि इनडोर फैन मोटर लगाएंगे और सर्विस चार्ज करेंगे तो कितना करेंगे। फिर उसके बाद है आउटडोर फैन मोटर सर्विस चार्ज, आउटडोर कंडेंसर प्लस सर्विस चार्ज, कैपेसिटर प्लस सर्विस चार्ज। फिर यहाँ पे देखिए स्प्लिट एसी की पाइपिंग, मतलब कि जो स्प्लिट एसी के इनडोर और आउटडोर के बीच में कॉपर की पाइप लगाई जाती है उसका कितना चार्ज करेंगे, कितने रुपये फिट के हिसाब से उसको लगाएंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका कंप्रेसर चेंज प्लस गैस चार्जिंग, फिर यहाँ पे एसी सर्विसिंग, मतलब कि एसी की जब सर्विसिंग करेंगे एक साल के बाद तो फिर उसका कितना लेंगे। फिर पीसीबी फॉल्ट, अगर पीसीबी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो पीसीबी तो हम लोग रिपेयर करते नहीं है, तो जब रिपेयर करवाने जाएंगे या फिर कैसे उसका क्या सिस्टम है, उसका कितना चार्ज रखेंगे, कितना उसको बताएंगे कस्टमर को। फिर इसके बाद हमारा कुछ नहीं लगा, मतलब कि कुछ भी नहीं लगा तो सिर्फ सर्विस चार्ज कितना लेंगे। तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किए ये समझते हैं कि कितना चार्ज हमें करना है। तो सबसे पहला हमारा गैस चार्जिंग, तो अगर हम स्प्लिट एसी या विंडो एसी दोनों में किसी में भी एक गैस चार्जिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग चार्ज लेंगे वो लेंगे 2700 रुपये, मतलब 2700 ये इसका चार्ज रहेगा। गैस चार्जिंग इस टाइम 2700 रुपये में की जा रही है, अगर मान लो 26 भी दे देते हैं 25 भी दे देते हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है आपका इनडोर फैन मोटर प्लस सर्विस चार्ज, आप कस्टमर के वहाँ गए और उसका इनडोर फैन मोटर ख़राब है तो वहाँ पे उसको कितना बताना है आपको, तो वहाँ पे इनडोर फैन मोटर का जो चार्ज बताना होगा, देखिए बता दें आपको, ये बताना है आपको 3000 रुपया, 3000 इसका चार्ज बताना है फैन मोटर का, प्लस यहाँ पे जो आपकी सर्विस चार्ज रहेगा ये 350 रुपया सर्विस चार्ज लेंगे, मतलब कि हो जाएगा आपका 3350 रुपया टोटल इसमें आपका उसका खर्चा आएगा। उसको पहले बोल देंगे, अगर वो कहता लगाने के लिए तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं इतना। ओके, फिर इसके बाद हमारा है आउटडोर फैन मोटर प्लस सर्विस चार्ज, तो आउटडोर का अगर फैन मोटर ख़राब हो गया स्प्लिट एसी का तो यहाँ पे 2500 रुपये इसका चार्ज रहेगा फैन मोटर का, प्लस ये आपका जो सर्विस चार्ज रहेगा 350 रुपया। देखिए ये जो पार्ट ये बताया जा रहा है ना, ये पार्ट आपको इतने में नहीं मिलेंगे, आपको सस्ते में मिलेंगे, बट कस्टमर को इतना चार्ज किया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे है आउटडोर कंडेंसर प्लस सर्विस चार्ज, जो आउटडोर कंडेंसर उसमें लगेगा, कंडेंसर मतलब जो कंडेंसर होता है हीट क्वायल, हीटिंग क्वायल, तो ये जो हीटिंग क्वायल लगाएंगे आप यहाँ पे तो इसका चार्ज रखेंगे 4000 प्लस सर्विस चार्ज, वही आपका प्लस गैस चार्जिंग, यहाँ पे देखिए प्लस गैस चार्जिंग, क्योंकि जब ये कंडेंसर बदला जाएगा तो गैस भी चार्ज किया जाएगा प्लस गैस, तो गैस का आपका वही 2700 रुपया, 3000 रुपया रख देंगे, क्योंकि जब ये निकालेंगे कंडेंसर तो कंडेंसर को निकालने में प्रॉब्लम होगी, डालने में प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा, एलपीजी खर्च होगी, तो यहाँ पे आप 3000 रुपया इसका चार्ज करेंगे गैस चार्जिंग, 4000 इसका, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर, 7000 रुपये खर्चा आएगा कंडेंसर को चेंज करने में। अब अगर कैपेसिटर इसका ख़राब हो गया, मतलब कि जो उसका कैपेसिटर होता है जो कि उसके कंप्रेसर में लगता है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया तो इसका आप 400 रुपये इसका चार्ज करेंगे कैपेसिटर का, प्लस ये 350 रुपये है इसकी आपकी सर्विस चार्ज रहेगी। फिर इसके बाद है स्प्लिट एसी की पाइपिंग, मतलब स्प्लिट एसी का जो पाइपिंग करेंगे तो कितना, देखिए ये पर फिट के हिसाब से होता है, तो इसका आप लोग एक फिट जो 300 रुपये, देखिए 300 रुपया पर फिट रहेगा क्लियर। ओके, 300 रुपया पर फिट, मतलब एक फिट पाइप अगर लगाएंगे तो 300 रुपया कस्टमर से चार्ज करेंगे। अगर कोई कस्टमर पूछता है कि जो हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं हमें इसकी दूरी और बढ़ानी है, पाइप लेके आनी है, तो एक पाइप कितने की आएगी, तो आप उसको बोलेंगे देखिए जितने भी फिट होगी उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ जाएगा, मतलब कि एक फिट जो पाइप आएगी आपकी वो 300 रुपये की आएगी। तो उसमें आपको देना क्या क्या चीज़ मैं बता दूँ, एक देखिए जो हाफ़ की रहेगी मतलब 1/4 और 1/2 की पाइप रहेगी उसमें, और कॉपर की, और उसके बाद जो उसका सिलू रहता है ऊपर का जो कवर रहता है
सुख्ते का वो रहेगा और केबल, इतनी चीज़ें उसमें रहेगी और वो 300 रुपये उसको चार्ज बताएंगे। उससे आपको थोड़ा सा कम में ही मिलेगा लेकिन 300 रुपये चार्ज बताएंगे उसको, क्लियर। और अगर वो कहता है कि पाइप हम लेके आएंगे तो वहाँ पे आप पर फिट के हिसाब से 50 रुपये उससे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज्वाइंट भी मारना पड़ेगा और फिर उसको दूर तक ले जाना भी पड़ेगा, टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो अगर वो कहता है कि पाइप मैं लेके आऊँगा तो उसे कहिए 50 रुपये पर फिट के हिसाब से हमको दे दीजिएगा, पाइप आप लेके आइए, ओके। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद है कंप्रेसर चेंज प्लस गैस चार्जिंग। अगर किसी एसी का कंप्रेसर ख़राब हो गया तो उस कंप्रेसर को आप चेंज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो चार्ज करना है वो ये करना है कि कंप्रेसर आप बोल देंगे उससे कि कंप्रेसर आपका 8.5 का आएगा, कितने का, 8.5 मतलब 8,500 रुपये का, ओके 8,500 रुपये का ये आपका, मतलब कि 8,500 रुपये का ये कंप्रेसर आएगा प्लस आपका जो गैस चार्जिंग का रहेगा वो 3,000 रुपये यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर चेंज करने में भी टाइम काफ़ी लग जाती है और काफ़ी एलपीजी भी यहाँ पे खर्च होती है। तो ये आपका इतना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11,500 रुपये, 11,500 रुपये आपका टोटल होगा, मतलब 11,500 रुपये खर्चा उनके कंप्रेसर को चेंज करने और उसमें गैस चार्ज करने में आएगा, तो इतना चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एसी सर्विसिंग, अगर 1 साल के बाद एसी को सर्विस करने जा रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग के जो चार्ज लेंगे आप वो 500 रुपये चलता है, एकदम 500 रुपये खुला रेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 500 रुपये आप एसी सर्विस चार्ज ले सकते हैं। और फिर उसके बाद है पीसीबी फॉल्ट। देखिए पीसीबी हम लोग रिपेयर नहीं करते हैं, 95% टेक्नीशियन पीसीबी को नहीं रिपेयर करते हैं। उनके ज़िले में या उनके आसपास में कोई पीसीबी रिपेयर करने वाला होता है उसके वहाँ वो ले जा करके पीसीबी को रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर को बताना हो कि कितना खर्चा आएगा तो उनसे आप यही बोलेंगे कि देखिए हम इसको लेके जाएंगे पीसीबी वाले के वहाँ और वो जितना खर्चा बताएगा, सबसे पहले आपको खर्चा बताया जाएगा उसके बाद फिर इसको बनवाया जाएगा, तो जितना वो बताता है ना आपसे तो उससे 400-500 रुपये ज़्यादा जो भी आपके हिसाब से हो कि ठीक है उतना आप उससे ज़्यादा कह करके आप उसको बोल दीजिए। मान लीजिए मिसाल के तौर पर, मान लीजिए अगर वो पीसीबी रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन बता रहा है कि 500 रुपये खर्चा इसमें है तो उससे आप कह दीजिए 1,000 रुपये खर्चा है, ओके 1,000 रुपये कस्टमर से बताइए, 500 आपको वो बताइए, आप 1,000 रुपये बताइए, इसलिए क्योंकि आप यहाँ से लेकर के वहाँ पर जाएँगे बनवाने के लिए फिर वहाँ से लेके आएंगे, अगर किसी वजह से अगर वो ना सही बन पाए तो फिर आपको जाना आना इसका खर्चा कोई नहीं देने वाला, इसलिए आपको 500 रुपया या 400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर रखना होगा, जितना आपको वो टेक्नीशियन बता रहा पीसीबी रिपेयर करने वाला उससे 500-600-400 रुपये आपको कस्टमर से ज़्यादा ही बताना है, ओके। तो ये आप कह सकते हैं इसको, ओके। यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, मतलब ये है कि हम लोग एसी को रिपेयर करने के लिए गए और वहाँ पे कोई तार कटा हुआ था या कोई ऐसा फॉल्ट था जो कि वहीं पे सही हो गया, वहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं लगा तो कितना लेंगे, तो वहाँ पे आप अगर नज़दीक है तो 350 रुपये ले लीजिए, दूरी है तो कुछ बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, 400-450 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके 500 भी कर सकते हैं भाई, ये वहाँ से आए हैं तो ये 500 रुपये आप दीजिए। तो यही इसका पार्ट प्राइस है। अगर इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर से लेते हैं पैसा, उसको बताते हैं, तो यहाँ पे ना ही उसका नुकसान होगा और ना ही आपका नुकसान होगा, जो रेट चल रहा है मार्केट में वही एग्जैक्टली रेट आप ले पाएंगे, क्योंकि जब नए नए टेक्नीशियन बन करके सीख करके पढ़ करके जब फील्ड में आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा चार्ज किया जाए, कितना चार्ज किया जाए कस्टमर को, ताकि उसको ना ही ज़्यादा लगे ना ही हमारा नुकसान हो। तो यही इसका चार्ट एकदम, ये जो रेट है एकदम सही रेट है, ये ना ज़्यादा है ना ही कम है, तो इस तरीके से ये हम लोग इस तरीके से हम लोग रेट लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए कितना चार्ज आपको करना है। और तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। तो इस तरीके से आपको चार्ज करना है किसी भी कस्टमर से।